हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ अर वेरी गुड मॉर्निंग गाइस गाइस एक बार से सेशन लाइव हो जाए और uh, मेरी वॉइस प्रॉपर आए तो प्लीज़ मुझे एक बार से कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बता दीजिएगा वेरी गुड मॉर्निंग गाइज़ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ओके थैंक यू चलिए तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की अब आप, आप सभी लोगों को पता है कि संडे का जो दिन होता है उस दिन पूरे वीक का जितना भी करंट अफेयर्स हमने पढ़ा है उसमें से जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या फ्रेमिंग जिस तरीके से होती है उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे रिवाइज करते हैं तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे थैंक यू सो मच राजपूत कुरी सारिका कोमल नंदिनी जयश्री कौशल कौशल कैसे है मिजाज जम्बू के यार यहाँ पे तो मतलब एस वाली गर्मी हो रही है अब तो खैर सवर विश्व गणेश संदीप वेरी गुड मॉर्निंग दिलीप गुड मॉर्निंग टू ऑल तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं यहाँ पे देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा कि आज यहाँ पर वाई फाई स्टडी चैनल पे आपके दो क्लासेस रहेंगे पहला क्लास जो भी होने जा रहा है और इस क्लास के जस्ट बाद में आपका ज्योग्राफी का क्लास होगा सवा आठ बजे जहा पे इंडियन ज्योग्राफी को हिमालय से लेके पूरा तमिलनाडु तक का जो एरिया है इंक्लूडिंग अंदमान निकोबार एंड लक्षद्वीप ये वाला सेक्शन रहने वाला है ठीक है तो क्लास में थोड़ा समय पर पहुंचिएगा पुष्पेंद्र राज रौनक राजपूत ओके okay, तो क्वेश्चंस की शुरुआत की जाए फिर सबसे पहली चीज कि अगर आप सिर्फ वीकली एमसीक्यू को पढ़ते हैं अगर आप रेगुलर करेंट अफेयर्स की क्लास नहीं करते हैं और आपको लगता है कि सिर्फ वीकली पढ़ लेने से या मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लेने से सिलेक्शन होगा तो टू बी वेरी ट्रुथ मतलब वैसे वाली बात है कि सच्चाई है तो है तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है आपको रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस को पढ़ना ही पड़ेगा एंड ये आपका रिवीजन का पार्ट होगा आज कोई भी आपके लिए मोटिवेशनल थॉट नहीं है इसका भी रीजन है क्योंकि आई होप कि आप लोग रिवाइज करके आए होंगे तो चला जाए फिर शुरुआत की जाए ऑल गुड टू गो प्रधान शर्मा पीयू खुशी टूडू मौसमी वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ternary anushka pratiba hani rajput kuri dipak चले भाई शुरुआत करें सबसे पहला क्वेश्चन ओके okay. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने जल्दी जल्दी से आंसर करना क्योंकि इसके जस्ट बाद में दूसरा क्लास भी है फ्रॉम पहला सवाल बताइए अभी हाल ही में किसको हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है बांग्लादेश की तरफ से इंडिया के अंदर और मैंने आपको बताया था कि ये वो पर्सनालिटी है जो ऑलरेडी सिंगापुर के साथ में भी डिप्लोमेटिक टाइज को बना चुके हैं तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या है आंसर करो फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी इज द राइट आंसर कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं बांग्लादेश से बिलोंग कर रहे हैं मैंने आपसे बोला हुआ है कई बार कि यहाँ पे तीनों एक्सरसाइज आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है पहली है कॉर्पेट एक्सरसाइज दूसरी है संप्रीति एक्सरसाइज तीसरी एक्सरसाइज यहाँ पे कौन सी वाली हो जाएगी कौन सी बची बोंगो सागर ये तीनों की तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसी तरीके से आपको इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीन ट्रेनें भी देखने को मिलेंगी जिसमें आपको मैत्री वाली याद रखनी है क्योंकि वो लेटेस्ट वाली है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चलिए नेक्स्ट पे आइए एज पर दर एफ रैंकिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एन आई आर एफ की रैंकिंग का मतलब क्या है नेशनल लेवल पर जो इंस्टीट्यूट की रैंकिंग आती है उसकी रैंकिंग के बेसिस पर यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इंस्टीट्यूट नंबर वन पे रहा जल्दी जल्दी आंसर करो कमल बंगाली काजल आशीष आईटी मद्रास आईटी मद्रास हाँ 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 करेक्ट है आईटी मद्रास किसमें एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड क्या हो गया तो यही तो आंसर मार्ग दे मैंने कुछ और माफ कर दिया क्या सावरी सॉरी 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 <laughs> सॉरी सॉरी वो मेरा मेरा ध्यान ना इस नाम पे गया था तुम लोगों के तरीके से भी मैंने ये नहीं देखा था सॉरी <laughs> सॉरी कई बार तुम लोगों का असर आ जाता है मेरे ऊपर <laughs> चलो हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आईआईटी मद्रास इज द करेक्ट आंसर मद्रास पे मैंने आपसे कहा था आईआईटी मद्रास के बाद में जो सेकंड नंबर पे होगा दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस जो कि आपको बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलता है सेकंड पॉइंट जब भी आप आईआईटी मद्रास की बात करोगे तो फाइव जी टेक्नोलॉजी जो है वो इन्होंने टेस्ट किया था और मद्रास के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो काफी सारे लाइक like, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी इन्होंने टाइप किया वैसे वेदर फोरकास्टिंग के आई आई तो टी खड़गपुर ने भी टाइप किया हुआ है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखना कि ये जो एडिशन लॉन्च किया गया था ये एडिशन कौन से नंबर नंबर का का था का था एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था एजुकेशन मिनिस्टर और स्किल मिनिस्टर कौन है दोनों ही सेम हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है धर्मेंद्र प्रधान जी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बताइए इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसको अभी हाल ही में कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल की बात करोगे तो ये करो तो यमुना रिवर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे पापा की परी भी मिलती है और कल तो दिल्ली में क्या झमाझम जम बारिश हुई है, है ना उसके बाद में भुवनेश्वर आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्या है दिस इज अपिटल नेक्स्ट है अहमदाबाद और अहमदाबाद कहाँ आ जाएगा ये आएगा गुजरात के अंदर अब आपको बताना है आंसर आंसर ठीक है को अभी हाली में इसके अंदर इंक्लूड किया गया है अगर आपसे पूछा जाए कि SEO, वंडर्स की जो लिस्ट है जिसके अंदर हर कंट्री से एक एक वंडर को लिया गया है इंडिया की तरफ से स्टेचू ऑफ यूनिटी को लिया गया है अगर कहा गया कि भाई इसका लाइक हाइट कितनी है इतनी है कहाँ पर है तो ये नर्मदा नदी के किनारे आपको मिलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये स्टेचू है जो आपको नर्मदा नदी के किनारे मिलता है चलिए नेक्स्ट पे आइए विच स्टेट हैज लॉन्च इट्स ओन इंटरनेट सर्विस अभी हाल ही में भारत का सबसे पहला ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जिसने अपनी खुद की इंटरनेट सुविधाओं को शुरू किया है हम्म सागर कल अच्छा वहां पे कल बारिश हुई है ओके हम्म केरला बिल्कुल सही जवाब इसका करेक्ट आंसर क्या है केरला इज़ द फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन जो है ये राइट टू तो इंटरनेट बोलेगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर्टिकल नंबर नाइनटीन का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन है जो कि राइट टू तो इंटरनेट एंड राइट टू तो डिजिटल एजुकेशन कहता है ठीक है ये दोनों के दोनों किस में आएंगे आर्टिकल नंबर ट्वेंटी आएंगे लेकिन यहीं पे अगर ट्वेंटी बात की जाएगी तो ये राइट टू एजुकेशन है और राइट टू एजुकेशन के लिए एक्ट कब आता है यहाँ पर 2009 में और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से अमेंडमेंट भी होता है जिसका नंबर है एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू कब होता है टू में एजुकेशन जो है वो कौन सी वाली लिस्ट के अंदर आता है तो इसको कंकरेंट लिस्ट के अंदर रखा गया है और ये एक चीज और ये आज पहली बार कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है यहाँ पे एक स्कीम थी जिसका नाम था के जो कि 2019 की थी ठीक है तो उसी के आगे चलते हुए इसको इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया गया अगला इनमें से कौन सी तारीख है जिस दिन वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट किया जाता है बताइए फादर ऑफ इंटरनेट बिल्कुल सही है कुश अश्रुति पूजा तृप्ति शगुन जबलब श्रीकांत ओके इसका आंसर बताओ जल्दी से भूमि अरे यार सच बता ये देख रहे हो मतलब ए सी इज ऑन एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ कानपुर खैर इसका करेक्ट आंसर बताइए इसका राइट right आंसर बनेगा फिफ्टींथ जुलाई इज द करेक्ट आंसर देखो फिफ्टी ऑफ जुलाई से आपको ये ध्यान रखना है कि वो तारीख है जिस दिन इंडिया में स्किल इंडिया वाली जो स्कीम है इसको भी लॉन्च किया, किया, किया जाता है अभी हाल ही में इस योजना को टोटल सात साल भी पूरे हो गए और इसको सेलिब्रेट कौन करता है तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा ठीक है कौन सेलिब्रेट करता है यूनाइटेड नेशन इसको सेलिब्रेट करता है बिल्कुल सही जवाब करेक्ट है चलो नेक्स्ट पे आ जाओ इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि इंडिया का सबसे पहला स्टेट बना है जहां पर मंकी पॉक्स का सबसे पहला केस कंफर्म हो चुका है इंडिया का कौन सा स्टेट ऐसा है जिसका जिसके मंकी पॉक्स का सबसे पहला केस कंफर्म हो चुका है बताइए ए के फोर्टी सेवन ठीक है अच्छा खुशी वहां पे भी यही सेम कंडीशन है चलो इसका करेक्ट आंसर केरला होगा कहाँ पर केरला के अंदर अगर आपको याद हो निपा वायरस के बारे में तो निपा वायरस का जो केस है वो महाराष्ट्र के अंदर मिला था उसके बाद में अभी नाइल फीवर के जो केसेस हैं वो नॉर्थ ईस्ट में मिले थे और फिर जो अभी वो वाले फ्लाईज वाले केसेस मिले थे वो वाले केसेस कहा सिक्किम के अंदर मिले थे ओके तो ये याद रखिएगा मंकी पॉक्स जो है वो केरला के अंदर मंकी पॉक्स इज सेम लाइक ए स्मॉल पॉक्स बिल्कुल इसी के तरीके से होता है बट ये येटिक होता है Zonotic का मतलब क्या हो गया कि एनिमल से ह्यूमन में भी आएगा एंड ह्यूमन टू ह्यूमन भी जाएगा अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहां पे सबसे पहला इको वेस्ट पार्क जो है वो डेवलप किया जाएगा जिससे कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे रिसाइकिल किया जा सके और उसे रीयूज किया जा सके एनवायरमेंट के लिए इंडिया के अंदर भी तीन यहाँ पर अगर आप देखें तो थ्री आर इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके अंदर रिसाइकिल को भी रखा गया है बताइए जगह का नाम दिल्ली होगा दई ओके विशाल दई वृषभ मुस्कान मतृषा हिमांशी आज क्या सबकी नींद नहीं खुल रही है सन्ने मना रहे हैं क्या सब संडे मनाया जा रहा है आज आज हैप्पी वाला संडे हो रहा है आज बैठ गया सुबह हम दही जलेबी खाएंगे बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग वी सेलिब्रेट ऑन संडे है ना ऐसे ही होता है ना तुम लोग के साथ में चलो कोई बात नहीं बट मैं फिर भी बोलूंगी रिविजन कर लिया करो यार कभी भी कभी जरूरत होती है ओके okay, बताइए श्री इनाम हक अभी हाल ही में आपको याद होगा कि इनकी डेथ हुई है सवाल में पूछा जा रहा है कि इनका जो नाम है वो कौन सी कंट्री से जुड़ा हुआ है इनका नाम कौन सी कंट्री से जुड़ा हुआ है हाँ जी सुधीर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पे एक लिमिट हो गई है मतलब आप एक दिन में उतने ही क्लासेस देख सकते हैं उसके बाद में आपको जो क्लासेस देखने हैं वो आप नेक्स्ट डे देख पाओगे तो अपना एक प्लानर सेट कर लो मतलब कि मुझे इस दिन में यही वाला क्लास पूरा खत्म करना है इससे क्या होगा इससे आप आराम से जितना भी आपका प्लान शेड्यूल होगा ना आप उसे देख सकते हो ठीक है चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है बांग्लादेश इज द राइट आंसर मैंने आपको बताया था कि इनको पद्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था इंडिया के द्वारा क्योंकि इन्होंने टेराकोटा के फील्ड में काफी अच्छा काम किया था और इंडिया में अगर जी टैग और टेराकोटा की बात आएगी तो गोरखपुर का नाम तो जरूर से आएगा किसका नाम आएगा गोरखपुर का जो नाम है वो आपको जरूर मिलेगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बताओ नहीं अभिषेक अगला सवाल विच हाउ दिनिस्ट्री है आपको बताना है कि कौन सी इसमें से ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ में एक एमओयू को साइन किया है ताकि टीवी को पूरी तरीके से इलिमिनेट किया जा सके बाय 2025 मैं फिर से बोलूंगी इस क्लास के जस्ट बाद में 8:15 पे आपका ज्योग्राफी का क्लास है पूरा का पूरा थ्योरी क्लास होने वाला है पूरा इंडिया आज हम लोग ऐसे ही बैठे बैठे घूमने वाले हैं तो क्लास में थोड़ा समय पर आइएगा ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने अभी एमओयू को साइन किया है CV को खत्म करने के लिए यहाँ पर 2025 का टारगेट रखा गया ओके चलो नेक्स्ट सवाल इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो नंबर वन पे रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपसे कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट काफी पहले लॉन्च हुआ था जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है अर्बन एरियाज में आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा नंबर वन पे रहा नेम द स्टेट हरे कृष्णा जल्दी बताओ अच्छा मिस्टर तालसे ओल्ड वर्जन से होता है या मेरे को नहीं पता एक बार से अपडेट करके देख लो अगर हो जाए तो इट्स वेल एंड गुड ठीक है झारखंड इज द करेक्ट आंसर झारखंड के अंदर अभी हाल ही में आप देखें तो इस इंडेक्स के हिसाब से नंबर वन पर आए अगला सवाल सवाल पूछा जा रहा है कि भारत का इसमें से कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो कि इंडिया का सबसे पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बन चुका है अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ हाइड्रो पावर पे काम करने वाला एयरपोर्ट तो ये हो जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट अगर सोलर और विंड पूछा गया तो क्या होगा तो हो जाएगा मुंबई नेक्स्ट पूछा जाएगा सोलर पावर पे काम करने वाला स्टेट का तो ये है कोची नेक्स्ट सोलर पावर पे काम करने वाला यूनियन टेरिटरी का तो हो जाएगा पुडुचेरी ठीक है तो याद रखना है. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ले इज द राइट आंसर क्या बनेगा ले इसका करेक्ट आंसर अगला ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन आप मुझे answer करके बताओ पर्सन का नाम आप मुझे पर्सन का नाम बताओ चलो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं इनका नाम स्टार्ट होता है एन से और ये एक कंपनी के सीईओ के रूप में भी काम कर चुके हैं और इन्होंने इंडिया और जापान के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए भी काफी अच्छा काम किया है जिसके चलते इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया अवार्ड जापान के द्वारा दिया जाता है पर्सनालिटी का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा चलो हम भी बता देते हैं ये क्या यहाँ पे नाम हो जाएगा नारायणन कुमार अब ये याद रखना कि मैक्सिमम जितने भी अवार्ड्स मिले हैं चाहे वो सियोल हो चाहे वो जायद अवार्ड हो चाहे वो भूटान का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड हो या फिर बहरीन का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड हो या आ, और कौन सा भी मिला था रशिया का अवार्ड हो या यूएस का लीग अवार्ड हो ये जितने भी अवार्ड गए ना सारे के सारे अवार्ड इनको गए ठीक है तो ये नाम याद रख लेना कि जितने भी और अभी लेटेस्ट में अवार्ड दिए गए वो इनको ही दिए गए अगला सवाल बिहार के विधानसभा भवन शताब्दी स्मृति स्तंभ इनोग्रेट किया गया है तो विधानसभा जो है बिहार की उसके अंदर एक स्तंभ को इनोग्रेट किया गया है सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है बिहार के अंदर अभी इनकी जो विधानसभा है उसको कितने साल पूरे हो गए सौ साल पूरे हो गए सवाल में पूछा जा रहा है कि इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया यहाँ के सीएम कौन है नीतीश कुमार जी कितनी बार सीएम बन चुके हैं सात बार सीएम बन चुके हैं चार बार लगातार आपको यहाँ पे एज अ सीएम मिलेंगे इसी तरीके से ओडिशा के अंदर इसी तरीके से ओडिशा के अंदर यहाँ पे आपको तो मिलेंगे नवीन पटनायक जी और नवीन पटनायक जी भी जो है ना ये भी काफी बार यहाँ पे एज अ सीएम अपॉइंट हो चुके हैं चलिए ये आप देख सकते हैं विधानसभा स्तंभ अगला इनमें से कौन सा ईयर है जब प्रसार भारती को बनाया गया था प्रसार भारती का फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ था प्रसार भारती का हम्म सुधीर सिंह आपके कमेंट शो कर रहे हैं बेटा मेरे को आप एक बार से दोबारा से यूट्यूब आके ऑन करिए अच्छा कुछ ऑल वाले भी थे ओह सॉरी माय मिस्टेक हम देख ही नहीं पाए कि कुछ बच्चे तो ऑल वाले भी थे एक सेकेंड आज सूर्य भगवान की कसम खा के बताओ ये कितने थे ऑल वाले इसमें ऑल का क्या सेंस था मतलब कुछ तो सेंस होना चाहिए ये क्यों आएंगे भाई भगवानी मालिक है चलो इसका करेक्ट आंसर क्या है 1997 इज द करेक्ट आंसर अभी हाल ही में यहाँ पर मयंक जी का अपॉइंटमेंट किया गया था और प्रसार भारती ने अपना नया लोगो जो है उसको लॉन्च किया है जिसके सेंटर में आप देखेंगे इंडिया का मैप आपको मिलेगा और उसका कलर कैसा है ब्लू कलर का है कैसा है ब्लू कलर का है ठीक है अगला बताइए इंडिया के बॉलर का नाम जो कि अभी हाल ही में कैसे प्लेयर बन गए जिन्होंने 150 ODI's के अंदर क्या किए हैं सबसे तेजी से विकेट्स लिए हैं और इन्होंने टोटल कितने मैचेस यहाँ पर तो ये जरा ध्यान दीजिएगा टेकन वन फिफ्टी ओडियाई टोटल अस्सी मैचेस में कितना अस्सी मैच में आपको बताना है मोहम्मद शामी के बारे में हम्म फर्स्ट है फर्स्ट है सवाल में इंडियन पूछा जा रहा है इंडियन पूछा जा रहा है ओके okay. मैंने ये थोड़ी ना यहाँ पे लिखा है कि सब मिला के कौन से नंबर पे हैं। तो इंडिया के हिसाब से कौन से नंबर पे नंबर थ्री पे है और वर्ल्ड के हिसाब से भी नंबर थ्री पे है इनके नाम के पहले मैंने आपको बताया था जहीर खान का नाम आएगा और अजीत अगरकर का नाम आएगा ऑल कम मैचेस के अंदर वन जो यहाँ पे विकेट्स लिए वो इन्होंने लिए है तो उसके हिसाब से ये क्या आ जाएंगे नंबर वन पे आएंगे तो सवाल जैसे पूछा जाए अगर सीक्वेंस में पूछा गया है तो तो आप बोलोगे नंबर थ्री लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कम मैचेस में सबसे तेजी से विकेट तो आप आंसर करोगे यहां पे नंबर ठीक है चलिए इसी के साथ में एक और न्यूज भी थी जो मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा दू कि यहाँ पे जून के मंथ का 2022 का जो प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है सी के द्वारा वो किसको मिला वो मिला जॉनी बेचो को और अगर आप फीमेल की तरफ बात करोगे तो मैरिजिनी क्या आपको यह अवार्ड दिया गया है ठीक है अगला सवाल सिंगाला नेशनल पार्क पर पर लोकेटेड लोकेटेड है है आंसर अच्छा अनिल शुक्रिया <laughs> तुम लोग का सिलेक्शन हो जाए बस वही मेरे लिए अवार्ड है इससे ज्यादा कुछ नहीं लाइफ में देखो हर कोई बहुत सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट करता है बट मैं आपसे सिर्फ दो ही चीजें एक्सपेक्ट करती हूँ पहली चीज क्या है आपका सिलेक्शन दूसरी चीज ये है कि सिलेक्शन के बाद में देखो रौसगुल्ला तो खाने को मिलना चाहिए ताकि उसकी मिठास हमेशा बनी रहे है ना रसोग्ला तो हम खुद भी लेके खा सकते हैं नॉट अ बिग डील लेकिन वो वाला जो रशोगुल्ला होगा ना उसकी मिठास ही कुछ एक्स्ट्रा होती है एंड वो लॉन्ग लास्टिंग होता है जस्ट लाइक अ लेक में आइकॉनिक काजल चलो इसका करेक्ट आंसर बताओ इसका राइट आंसर बनेगा वेस्ट बंगाल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या था कि जो रेड पांडा था रेड पांडा के लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा था और ये वेस्ट बंगाल के अंदर आपको मिलेगा ठीक है ये याद रखना वेस्ट बंगाल में है इसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है रेड पांडा कहाँ का सेट एनिमल है तो ये सिक्किम का है और ये सिक्किम में ही पाया जाता है कहा पे सिक्किम के अंदर ही इसको पाया जाता है या आप देख सकते हो प्यारा सा क्यूट सा क्यूट अपना रेड पांडा चलिए नेक्स्ट पे आइए ये देखो आप यहाँ पे देखो रेड पांडा आपको नजर आ रहा है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में स्टार्टअप स्कूल इंडिया को लॉन्च किया है और ये इनिशिएटिव जो है ये वर्चुअल फॉर्म में लॉन्च किया गया इसका मतलब किसी जगह पे कोई स्कूल ओपन नहीं किया जाएगा बल्कि यहाँ पर वर्चुअल फॉर्मेट पे इसको लॉन्च किया गया है बताइए हम्म वेरी गुड अरे पटेल वेरी गुड पूरी कहानी बताइए की लिस्ट के अंदर कौन सी कैटेगरी पे क्या है इसीलिए बोलते हैं रेगुलर पढ़ना जरूरी है समझ रहे हो रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है इसका आंसर क्या होगा गूगल इज द करेक्ट आंसर किसने लॉन्च किया था गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए अगला सवाल यहाँ पे क्या है सवाल में कहा जा रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है मैंने आपको बताया था कि दो कंट्रीज हैं जो आपस में आबादी को बढ़ाने के लिए लड़ाई कर रही हैं जिसमें एक तरफ है चाइना एक तरफ है इंडिया जीतेगा कौन ऑब्वियसली इंडिया क्योंकि बोला जा रहा है कि दो आते आते पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो आबादी होगी वो आपको इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेगी पहले तो इन्होंने बोला था कि भैया ये जो डेटा है ये दो तक जाके पूरा होगा लेकिन इस बार वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे जो रिपोर्ट रिलीज की गई है उस रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो चाइना को पीछे छोड़ देगा चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी थीम क्या थी अ वर्ल्ड ऑफ एट बिलियन इसकी थीम क्या थी अ वर्ल्ड ऑफ एट बिलियन इसकी थीम रखी गई थी राइट right? इसी के साथ में इसी के साथ में 10 जुलाई को एक दिन सेलिब्रेट किया गया था और वो दिन क्या था यहाँ पे नेशनल फिश फार्मर्स डे क्या था नेशनल फिश फार्मर्स डे मैंने आपको बताया था कि ये जो डे सेलिब्रेट किया गया है ये ग्रैंड लेवल पर हैदराबाद के अंदर सेलिब्रेट किया गया क्योंकि हैदराबाद के अंदर ही आपको इसका एक सेंटर देखने को मिलता है अगला सवाल गैस बेस्ड टी प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया है कहाँ पर लॉन्च किया गया है बताइए ओके अजय जल्दी से आंसर करके बताओ जो भी बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एमसीक्यू देखने के लिए आज कनेक्ट हो रहे हैं प्लीज गाइज रेगुलर सात बजे जब तक आप एनालिसिस नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा तो रेगुलर एनालिसिस जरूर से पढ़ा करो हां जी इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा नन ऑफ अब त्रिपुरा इज द राइट आंसर क्या बनेगा त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे एक पॉइंट और रिकॉल मारना मैंने बोला था कि त्रिपुरा जो है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर टी के प्रोडक्शन में नंबर नंबर पर आता है पे कौन हो वो तो बात है, आसाम होगा लेकिन आपको ये पता है साउथ के अंदर भी केरला और कर्नाटका ये दो स्टेट्स हैं जहां पे टी का प्रोडक्शन होता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ पायलट प्रोजेक्ट गीगाटवर्क सोल्यूशन गीगा मेट नेटवर्क सोल्यूशन नंबर ऑफ विलेजेस नंबर ऑफ विलेजेस, हम्म, नंबर ऑफ विलेजेस ओके बताओ जल्दी से आपका जीएस विद रणबीर मैम मेरा बिहार एसआई में फाइनल हो गया पहले से आरआरबी टेक्निकल में था अरे वाह मेनी कंग्रेचुलेशन चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताओ पंद्रह कितने थे यहाँ पे फिफ्टीन थे इसमें मैंने आपको तो बताया था कि भाई अब एक ही नेटवर्क होगा जहां से किसी के भी मोबाइल की जो स्पीड है वो क्या नहीं होगी कम नहीं होगी कितनी डिवाइसेज यहाँ पे कनेक्ट हो सकती है फोर्टी डिवाइसेज हैं जो यहाँ पे कनेक्ट हो सकती है तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और जहां जहां पे 4G की वजह से काफी ज्यादा नेटवर्क कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती थी 4G को रिप्लेस किया जाएगा 5G के साथ में ठीक चलो नेक्स्ट पे आ जाओ पीएम मोदी द अनबील एम्बे ऑफ इंडिया पार्लियामेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा ये वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर भारत की जो संसद का एक नया स्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा है और ये बनके तैयार हो जाएगा 2022 के एंड तक इवन यहाँ भी बोला गया है कि जो विंटर सेशन होगा पार्लियामेंट का वो नई वाली बिल्डिंग के अंदर ही कंडक्ट किया जाएगा इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वैसे तो ट्राइंगुलर शेप में है बट इसका ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वहां पे क्या रखा गया है लाइन कैपिटल ऑफ अशोका वाला जो स्तंभ है वो आपको देखने को मिलेगा सवाल में पूछा जा रहा है कि उसका वेट कितना है उसका वेट कितना है ये वही वाली मूर्ति है या फिर ये वही वाला स्टेचू है जिसको लेके काफी ज्यादा विवाद भी चल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो यही वो वाला स्टेचू है ठीक है यहाँ पर आपको ये स्तंभ नजर आएगा चलिए नेक्स्ट पे आइए कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि इंडिया का सबसे पहला ऐसा स्टेट बन गया है जहां पे थर्टीन एक्सप्रेस वे हो चुके हैं ये वही सेम वाला स्टेट है जहां पे टोटल पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं वही वाला है और कौन सा है और कल तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे लॉन्च भी हो चुका है बड़ी अच्छी अच्छी फोटो आई है हाँ आंसर बताओ इसका आंसर बनेगा यूपी क्या है इसका आंसर यूपी इसका करेक्ट आंसर है छह जो है वो तो फंक्शनल है यानी कि वो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन बाकी जो है वो अभी स्टार्ट होना बाकी है तो ये याद रखिएगा टोटल कितने तेरह एक्सप्रेस आपको यहाँ पर मिलेंगे नेक्स्ट सवाल इंडिया का सबसे पहला एनिमल हेल्थ समिट कहां पर कंडक्ट किया गया एनिमल हेल्थ समिट पे कंडक्ट किया गया देखिए मैंने आपको पढ़ाया था वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट के बारे में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो था ये ह्यूमंस के लिए लॉन्च किया गया था और इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था कहा से उत्तराखंड से इसके बाद में इसको लॉन्च किया गया कहां पर बेंगलुरु के अंदर कहा बेंगलुरु में तो ये तो ह्यूम के लिए था राइट लेकिन अब क्या हुआ एनिमल्स की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एक समिट ऑर्गेनाइज की गई और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है दिल्ली के अंदर किया गया था दो दिनों का ये समिट था animal and husbandry या फिर animal husbandry जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था यहाँ पर आप देख सकते हो दो दिन की समिट कंडक्ट की गई अगला सवाल ऑल वेदर फ्रेंड्स चाइना एंड पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड बात समझ रहे हो बारिश हो आंधी हो तूफान हो गर्मी हो या जितनी भी सर्दी क्यों ना हो सदा साथ रहेंगे चाइना और पाकिस्तान तो ऑल वेदर फ्रेंड यानी कि चाइना एंड पाकिस्तान इनके द्वारा भी हाल ही में एक एक्सरसाइज एक एक का आयोजन किया गया सी गार्जियन टू सवाल में पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इसका आयोजन पर किया गया तो इसका आयोजन शंघाई कोस्ट पे किया गया शंघाई जो है ये आपको यांगटेजी रिवर के किनारे पे मिलेगी यांगटेजी रिवर जो है वो एशिया की लार्जेस्ट रिवर के अंदर काउंट की जाती है लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया इसको कहा जाता है चाइना के अंदर ये जगह आपको मिलेगी चलो नेक्स्ट पे आओ अगला सवाल हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर हैज कैपेबिलिटीज ऑफ़ है जिन्होंने खुद का अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया हुआ है इंडिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखो क्योंकि ये फिफ्टींथस्ट को भारत को सौंप दिया जाएगा इसके टोटल चार ट्रायल ऑलरेडी हो चुके हैं कहाँ पे ट्रायल हुए इसके कोची का जो पोर्ट है वहां पे इसको ट्राई किया गया जल्दी से बताओ इसका नाम क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, और इसके अंदर अब इंडिया भी शामिल हो चुका है नेम आई एन एस आई एन एस विक्रांत वेरी गुड हरे कृष्णा वेरी नाइस क्या हो जाएगा आई एन एस विक्रांत चलिए ये यहाँ पर इसका पूरा स्ट्रक्चर हम ये सब आपको पढ़ा ही चुके हैं अगला क्या भैया मलाला डे था आइए जरा इनके बारे में बात करें अगला है मलाला डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है जब भी नोबेल प्राइज की बात आएगी और यहाँ पे जब पीस प्राइज जब भी आएगा तो हमेशा मलाला का जो नाम है वो शामिल किया जाएगा बिकॉज़ शी इज़ द यंगेस्ट वन ये सबसे यंगेस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था तारीख कौन सी हो जाएगी बारह और कल क्या है अट्ठारह कल है नेल्सन मंडेला डे ओके चले नेक्स्ट पे आइए इनियास पल्लवी सिंह <laughs> इंडियाज पल्लवी सिंह मिसेज यूनिवर्स डिवाइन टाइटल से अभी इनको नवाजा गया है ये आयोजन कहाँ पे हुआ था यूसू नाम के शहर में इसका आयोजन किया गया सवाल में पूछा जा रहा है कि ये शहर कहाँ पर लोकेटेड है नेम द प्लेस नेम प्लेस जगह का नाम खुशी तो देखो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा साउथ कोरिया इज द करेक्ट आंसर एंड शी बिलोंग्स टू कानपुर कहां से बिलोंग करती है कानपुर से ये बिलोंग करती है आपके सामने इनकी इमेज है ध्यान दीजिएगा मिस नहीं है मिस इज है थोड़ा सा चेंज है कहानी में ट्विस्ट है अगला सवाल झुमका एंड बुकारों ये दोनों जगह कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है ये दोनों जगह कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है क्यों ये सवाल बना है क्योंकि झारखंड अभी क्या हुआ था मोदी जी का विजिट हुआ था तो यहां पर दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको लॉन्च किया गया राइट अब आपको बताना है कि ये दोनों जगह कहां है तो ऑब्वियस सी बात है है आंसर क्या झारखंड इसका करेक्ट आंसर चलो यहाँ पर आप देख सकते हो देवघर एयरपोर्ट जो है ये क्या है सेकेंड एयरपोर्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है जब राजस्थान का हैप्पी बर्थडे पूछा जाएगा तो ये डेट याद रखना और इसी के साथ में मैंने आपको बताया था कि आने वाले टाइम में यानी कि 2022 में फिफ्टीन ऑफ नवंबर को पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो आठ बिलियन हो जाएगी ये वाला डेटा हमने ऑलरेडी आपको बताया था बस अभी रिकॉल करा दिया है right. चले नेक्स्ट पे आइएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा वैद्यनाथ टेम्पल देवगढ़ ये सारी चीजें ठीक है चलिए नेक्स्ट बताइए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा अभी हाल ही में एक एडिशन कंडक्ट किया गया एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई है नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स दिल्ली के अंदर आपको बताना है कौन सा एडिशन था आपको बताना है कौन सा एडिशन था नेम द एडिशन प्रशांत पूजा संजू हम्म एडिशन था बिल्कुल सही जवाब कौन सा एडिशन था सिक्स एडिशन और इसके लिए कौन से स्टेट को अवार्ड मिला है तो इसके लिए सबसे अच्छा काम करने के लिए माइंस के लिए ओडिशा को अवार्ड मिला है जिसके अंदर जो प्राइज मनी है वो कितना है फाइव करोड़ रुपीज यहाँ पे प्राइज मनी दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन जेम्स वेब टेलीस्कोप कौन सी कंट्री का है जेम्स वेब टेलीस्कोप कौन सी कंट्री का है इस क्लास के जस्ट बाद में आपका अगला क्लास होगा 8:15 फिफ्टीन ए एम डेटच ऑफ जोग्राफी इसी जगह पर ये क्लास होगा तो तब तक अपना ब्रेकफास्ट एंड अनाउंस कॉपी पेन लेके क्लास के अंदर ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या है सिंपल है यूएसए इसका करेक्ट आंसर है अभी हाल ही में इन्होंने काफी अच्छी सी एक यूनिवर्स की इमेज लॉन्च की थी और इसी चीज के ऊपर आप में से एक स्टूडेंट था उसने मुझे एक इमेज शेयर की थी मेरे को नाम नहीं याद है वो हम लोग के किचन में जो टाइल्स होते हैं ना वो जो ब्लैक वाले टाइल्स होते हैं कई बार आपने देखा होगा जो ब्लैक वाले टाइल्स किचन में होते हैं वो बड़े शाइनी टाइप के होते हैं मतलब आप उसे दूर से देखोगे तो ऐसा लगता है बीच बीच में जो तारे बने हुए हैं तो उसकी इमेज क्लिक की गई थी और उसके ऊपर बड़ी सारी चर्चाएं चल रही थी कि नासा वालों ने कहीं उसी की इमेज क्लिक करके तो हमको यूनिवर्स ना दिखा दिया लेकिन भाई ये यहाँ पर जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है ये काफी लेटेस्ट और काफी ज्यादा हाई रिजोल्यूशन वाला है जिन्होंने उसने यूनिवर्स की एक इमेज को रिलीज किया है और ये यूएसए का है मैंने आपसे कहा था यूरोपियन यूनियन और कनाडा। इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था ठीक है ओके okay, ये आप देख सकते हैं यहां पर ये हबल वाला टेलीस्कोप का है और ये जेम्स का है दोनों में डिफरेंस है और राइट right. बिल्कुल अच्छा थ्री है ओके okay, थ्री है चलो नेक्स्ट चलो अब बताओ अर्जुन बबूटा सवाल में पूछा जा रहा है इनका नाम कौन से स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा हुआ कौन से स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा हुआ है एलन मस्क ने शेयर किया था अच्छा चलो ये इसका आंसर आंसर बताओ इसका हो जाएगा शूटिंग अभी लेटेस्ट में आपको याद होगा आई एस एस एफ ये कहा हो रहा था साउथ कोरिया के अंदर जिसमें इंडिया जो है वो टॉप पे रहा था नंबर ऑफ मेडल्स कितने थे आठ मेडल्स यहाँ पे थे और ये जो थे सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ठीक चलो नेक्स्ट सवाल फॉर्मूला वन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो है इसको किसके द्वारा जीता गया ऑस्ट्रियन है ऑस्ट्रेलिया नहीं है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्रिक के द्वारा इसको जीता गया है मैंने आपको इनकी कंट्री भी बताई थी मोनाको याद आया और जब ये मोनाको में जाते हैं तो किससे जाते हैं फरारी से जाते हैं तो फरारी को ये ड्राइव करते हैं मोनाको से बिलोंग करते हैं और ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स अभी हाल ही में इन्होंने जीती है अगला सवाल मिशन कौशल कर्मी 15 डेज का प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए सवाल में कहा जा रहा है कहाँ पे लॉन्च किया गया सवाल में पूछा जा रहा है कहाँ पे लॉन्च किया गया है हिमानी जयश्री दुर्गेश एडवर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली लॉन्च तो पहले किया गया था लेकिन अप्रूवल इसको अभी हाल ही में मिला है तो ये दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया अगला बहुधा यात्रा आप सभी लोगों को पता है जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी जिसे हम कार फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं और बारह तारीख को ये खत्म हुई थी ओके तो उसी में जब भगवान जगन्नाथ जी अपने घर वापसी करते हैं तो या अपने मंदिर में जब वो वापस आते हैं तो उसी यात्रा को यहाँ पे इस शब्द से जाना जाता है तो ये कहां पे होगी ओडिशा के अंदर कहाँ ओडिशा के अंदर चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ राइट टू हेल्थ बिल भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसने इंडिया के अंदर राइट टू हेल्थ बिल को लॉन्च किया है राइट टू हेल्थ बिल जो है वो क्या करेगा हर एक पर्सन को हेल्थ की जो सुविधाएं वो प्रोवाइड करेगा चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो हर तरीके की हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान जैसे कि राइट टू इंटरनेट है तो वो केरला हो गया राइट टू हेल्थ है तो क्या हो जाएगा राजस्थान अगला सवाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इसको लॉन्च किया गया है सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये अवॉर्ड लॉन्च किए गए हैं कहाँ पे दिल्ली के अंदर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया जितेंद्र सिंह जी नहीं अनुराग ठाकुर जी नहीं बचे यहाँ पे तीन नाम किसके द्वारा लॉन्च किया गया हम तो कह रहे हैं ये भी क्रॉस लगा दें अब बताओ राजनाथ सिंह जी, है ये तो ऑप्शन नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी तो नहीं है सब तो क्रॉस हो गए अब क्या बचा अमित शाह जी ने लॉन्च किया है अच्छा अमित शाह जी अक्षत दी 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 अच्छा <laughs> सुभंशी कौन तो पढ़ाया था जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है कौन कौन है सही बताओ बेटा मुन्ना मेरे प्यारे बच्चा देखो मैंने आपको कहा था मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस ने लॉन्च किया है तुम लोग अगर बस चले सच बता रहे हैं तुम लोग अगर बस चले और ऑप्शन के अंदर अमित शाह लिखा हो या फिर नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा हो तो तुम्हारे हिसाब से आंसर सिर्फ और सिर्फ उतना ही होने वाला है, है ना

अरे अच्छा ये तो लिखी है। अब इसका आंसर ये मार्क करके आएंगे इसका करेक्ट आंसर है हाउसिंग एंड अर्बन और ये मिनिस्ट्री किसके पास में हरदीप सिंह पुरी जी के पास में आपको ये मंत्रालय देखने को मिलता है इन्हीं के द्वारा इसका आयोजन किया गया दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया था अगला जो है वो है बिम्बल्डन क्या है बिम्बल्डन देखिए बिम्बल्डन इस बार का जो आयोजित किया गया इसमें फीमेल की कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो एलिना ने इसको जीता है एंड ये कहाँ से बिलोंग करती हैं तो ये कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि अब तक की हिस्ट्री में शी इज फर्स्ट प्लेयर ये सबसे पहली खिलाड़ी हैं कहाँ से कजाकिस्तान से जिन्होंने बिम्बल्डन जीता है अगर हम मेंस की बात करें तो वो तो वही पुराना वाला नाम है ज्यादा कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है इनकी कंट्री भी आपको पता ही है नंबर ऑफ क्या जो इनके पास में ग्रैंड स्लैम है वो टोटल नंबर कितना हो गया ट्वेंटी वन हो गया लेकिन फिर भी नडाल जो है वो भी नंबर वन पे चल रहे हैं ट्वेंटी टू ओके ये यहाँ पर आपके सामने ओके चलो तो ये तो था अपना आज का सेशन अब आपसे मुलाकात करते हैं अभी एट फिफ्टीन पर इसी जगह पर जहाँ पे कॉपी पेन लेके बैठना अच्छी तरीके से पूरा रिविजन आपका हो जाएगा प्रॉपर दिमाग ऑफ इंडिया ओके नेक्स्ट आपके लिए टेलीग्राम है क्लास की पीडीएफ मत मांगिएगा क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी आपकी कॉपी में लिखी हुई है क्योंकि एमसीक्यू है रिवीजन है ये टेलीग्राम है जहां पे आपको बाकी क्लासेस की पीडीएफ एंड रेगुलर पीडीएफ मिलती हैं ये ध्यान दीजिएगा कि अभी तक यहाँ पे प्राइस हाइक जो है वो होना था 15 जुलाई तक लेकिन इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है अब ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई को जो प्राइस हाइक है वो किया जाएगा तो आपके पास में अभी समय है जिसके अंदर अभी हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर के बाद में आपका अगला बैच जो है वो फिजिकल जोग्राफी का पार्ट टू आएगा और फिर आपका इकोनॉमिक्स आएगा तो इन बैचेस के अंदर जीएस मैथ इंग्लिश रीजनिंग ये सारे के सारे जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कवर किया जाता है ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो चुका है यहां पे आपको आइकॉनिक फीचर्स रेज योर हैंड सवाल पूछने का मौका भी मिलेगा एंड प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड आपको यूज करना है दैट विल बी प्रति टेन ठीक है लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप जाओ तो उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज आल्सो देयर रिपोर्ट एंड वेन इज आल्सो देयर चले फिर मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे अभी सवा आठ बजे इसी जगह पे टिल देन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए की प्लानिंग की प्रवाइजिंग बाय एंड टेक है